शहजादा को लगा एक और झटका। पहले पठान, अब इस मूवी ने बढ़ाई कार्तिक आर्यन की मुसीबत, बॉक्स ऑफिस पर होगा नुकसान। कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा को लेकर ऑडियंस के बीच बज बना हुआ है। फैंस बेसब्री से इस फिल्म का इंतज़ार कर रहे हैं। ये फिल्म पहले 10 फरवरी को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन पठान के तूफान को देखते हुए इसके मेकर्स ने रिलीज डेट को बदल दिया और इसे बढ़ाकर 17 फरवरी कर दिया। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 8वें दिन भी जोरदार कमाई कर रही है। इस कमाई और ऑडियंस के बीच क्रेज को देखकर लगता है कि ये लंबे समय तक सिनेमाघरों में बनी रहेगी। शहजादा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर कोई असर ना हो, इसलिए मेकर्स ने इसे आगे बढ़ा दिया। हालांकि शहजादा के मेकर्स का कहना था कि उन्होंने शाहरुख खान को सम्मान देने के लिए फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाया। इस फिल्म के जरिए कार्तिक आर्यन बतौर प्रोड्यूसर इंडस्ट्री में कदम रखा है, लेकिन कार्तिक को एक झटका लगने जा रहा है। यह झटका अल्लू अर्जुन स्टारर अला बेकुंठ पुरामुलो की वजह से लगेगा। दरअसल इस फिल्म का हिंदी वर्जन आज यानी 1 फरवरी को यूट्यूब पर रिलीज हो रही है। अला बेकुंठ पुरामुलो के हिंदी में रिलीज होने से कार्तिक आर्यन की शहजादा को बॉक्स ऑफिस पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल कार्तिक की शहजादा अल्लू अर्जुन की अला बेकुंठ पुरामुलो हिंदी रीमेक है। अब शहजादा के पहले अला बेकुंठ पुरामुलो रिलीज होगी तो जाहिर तौर पर फिल्म को नुकसान होगा। खास बात है कि यूट्यूब पर इस फिल्म को फ्री में देख सकते हैं, तो लोग टिकट क्यों खरीद कर देखेंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।